हम जानते हैं कि आप जिन दोस्तों ने सारा प्रोग्राम का कमेंट देखा है वो जानते हैं कि इस प्रोग्राम की आज दम का एक तवील प्रोग्राम है जो कि अब 1 बजे शुरू हो रहा है और रात को तकरीबन को 2-3 बजे खत्म होगा। ऐसे ही तो हम देखते आ रहे हैं कितने सारे सालों के अंदर एक तहजीब एक कल्चर से डेवलप हुआ है कि 14 अगस्त के हवाले से मुशायरे का खास एहतमाम किया जाता है। और जो नई जिम्मेदारी लगाई गई है यहाँ पर नजर की तरफ से वो ये है कि इस बात पर कुछ बात की जाए। मुख्तसर मुझे 5 मिनट दिए गए हैं। एक यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट है उनसे कहा गया कि आपको 5 मिनट की बात करने के लिए कितना तैयारी करने के लिए कितना वक्त चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास 5 मिनट की तकरीर करने को क्या करने के लिए बिल्कुल बात नहीं, लेकिन अगर आप मुझे घंटे का मौका दें तो मैं अभी तकरीर कर सकता हूँ। तो हमारे 5 मिनट की तकरीर जो होती है वो बड़ी मुश्किल होती है और ये जिम्मेदारी मुझे दी गई है कि मुशायरा की क्या ऐसी बात है कि 14 अगस्त के हवाले से और इंडिपेंडेंस डे के हवाले से हम बहुत रेगुलरली मुशायरों में इनकार करते हैं और शायरी और मुशायरे पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान का कल्चर इसमें क्या ऐसी चीज है, तो उसको हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। जब हम पीछे देखते हैं कि जो हमारे फाउंडिंग फादर्स हैं 2-3 जो बहुत प्रोमिनेंट फिगर्स हमारे सामने आते हैं उसके अंदर एक सर सैयद अहमद खान हैं, अलामा इकबाल हैं, उसके अलावा फिर वापस कायदे आजम हैं। सर सैयद एक बात कहा करते थे, वो कहते थे कि अगर जब रोज़े क़यामत मैं खुदा की हुज़ूर खुदा की बारगाह में पेश किया जाऊँगा और खुदा मुझसे पूछेगा कि सर सैयद क्या लेकर आए, तो मेरा जवाब होगा कि मैं हाल ही से मुक़द्दस लिखवा के आया। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि मीन सर सैयद की भी जो तहरीक थी एजुकेशनल की और सब कुछ 1901 के अंदर जब ऑल इंडिया मुस्लिम काउंसिल बनाई सर सैयद ने वहाँ पर जो कि नॉन पॉलिटिकल पार्टी थी तब तक, तो लेकिन उसके अंदर की जितनी सपोर्ट सर सैयद को हासिल उसके अंदर हाल का बहुत बड़ा हिस्सा अस्थि का हमारी क्या था वो शेर हाली का जो मुसद्दस के अंदर आता है कि मानना कोई मद है हर जजर के बाद अस्थि का हमारे जो हद से गुजरना देखे। ये हमारी शेरी रवायात हैं उस जमाने के अंदर और शौरा ने हमारे हर मौके के ऊपर हर लम्हे के ऊपर हमारी कौम की हमारी मिल्लत की हमारे अफवाज पाकिस्तान की हमारी पॉलिटिशियंस की हमारे आम लोगों की नुमाइंदगी की और हर सतह के ऊपर की है। हम देखते हैं कैसे किए नाम बात आबागे दरा के अंदर जो कि पहली तस्नीफ है उसके अंदर बहुत इब्तदाई मिसाली नाम बात की है उसके अंदर एक उनकी एक नज़म है छोटी सी उसका नाम है शायर। उसके अंदर आम बात कहते हैं कि कौम गोया जिस्म है, कौम गोया जिस्म है अफराद हैं आज़ाए कौम, कौम गोया जिस्म है अफराद हैं आज़ाए कौम, सन्नत हरफत के रहबे माँ हैं दस्तो पाए कौम, महफिल नज़्म हुकूमत चेहराए ज़ेबाए कौम, महफिल नज़्म हुकूमत चेहराए ज़ेबाए कौम और शायर रंगी नवा है दीदाए बिनाए कौम, शायर रंगी नवा है दीदाए बिनाए कौम, मुतलाए दर्द कोई उज़्र रोती हैं आंख, मुतलाए दर्द कोई उज़्र रोती हैं आंख, किस कदर हम दर्द सारे जिस्म की होती हैं। तो ये हमारे शायर हैं कि जो एक दीदाए बिनाए कौम का एक रोल अदा करते हैं और देखते हैं कि मुसलसल करते हैं। हम जानते हैं कि इलामा इकबाल पाकिस्तान के कौमी शायर हैं, इसके अलावा और वो पाकिस्तान के दी ड्रीमर पाकिस्तान भी हैं, इस बात को कायदे आज़म ने भी एक्नॉलेज किया। उसके बाद फिर मुसलसल ये बात आज भी हम देखते हैं कि जब भी स्टेज सेट होता है यहाँ पे तो मतलब पाकिस्तान का झंडा जो है वो इस बात को कहने की काफ़ी है कि इसके अंदर ही बाग और जिना इम्पेडेड है और ससलियत भी इम्पेडेड है सेंटर के अंदर। उसके अलावा एक बहुत बड़ा नाम नारे देने के अंदर जो पाकिस्तान बनाने के लिए बहुत कारामद साबित हुए, कायदे आज़म कहते थे कि पाकिस्तान बनने का 25% हिस्सा एक शायर के हाथ में, और वो शायर भी शाहपुर से थे लेकिन अलामा इकबाल नहीं थे। किसी को याद है वो शायर कौन थे? एक बहुत बड़ा नारा था जो पाकिस्तान की तहरीक के दौरान रहा करता था। कौन सा नारा था? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? ये नारा किसने दिया? असगर सौदाई सियालकोट के शायर थे, उन्होंने ये नारा पाकिस्तान का, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक तवील नज़्म है जिसके अंदर ये नज़्म ये नारा बार बार 8-9 बार आता है
और कायदे से निकालते हैं, ये नारा हमारे पास वहाँ पर, तो शायद पाकिस्तान को हम लोगों को डोनाइट करने के जो काबिल हुए हम 10 सालों के अंदर अंदर 37 से लेकर 47 के अंदर तक शायद हम कामयाब ना होते। तो 25% हिस्सा कायदे से कहते थे कि पाकिस्तान बनने का असर सदाई के हाथ में। ये हमारे शोरा की ये एक कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स द काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। फिर हम देखते हैं जब पाकिस्तान की तारीख आगे बढ़ती है, पाकिस्तान बन जाता है, पाकिस्तान बनने के बाद हम देखते हैं कि कुछ मसाइल आते हैं, कुछ जंगें होती हैं, फिर रजमिया शाही के अंदर हमारे शोरा का किरदार हो रहा है। हम जानते हैं कि जब 1962 की जंग होती है, जो कौमी नफ में जो आप सुनते आ रहे हैं पिछले काफ़ी देर से, जब लोग जब एक कुछ लोगों को ये ख्याल होता है कि ये तो बिखरे हुए लोग हैं, ये तो कौम भी नहीं है, जो हम आज बहुत आराम से बातें करते हैं, हम तो एक कौम भी नहीं है। और फिर लोग जब ये समझ के हमारे ऊपर हमला करते हैं और हमें ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, तो फिर हमें शोरा ही याद दिलाते हैं कि इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक सांझी अपनी खुशियाँ और हम एक हैं, हम एक। और यही हमें शोरा याद दिलाती है, क्योंकि हमारी हमारी अफवाज को भी ये लोग भेजते हैं कि पुत्र हटाते नहीं मिटते कि लबनिया बिच बाजार को ए देना मेरे दाता दी ना है भाई। ये सारी बातें हमारे शोरा ने की हुई। उसके बाद यही शोरा है कि जो आज सुबह उठते हैं 14 अगस्त की इसी एक शाम के अंदर और वो देखते हैं कि पाकिस्तान आज वहाँ नहीं पहुँचा जहाँ जाना चाहिए था, तो वो कहते हैं कि ये दाग दाग गुजारा, ये शब गुजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं, फलक के दश में डारों की आखिरी मंजिल कहीं तो होगा, शब सुस्त मौज का साहिल कहीं तो जाके खमेगा सकीना है कमे दिल। ये भी फैज थे जो उसको कहता कि फिर हमारा वजह दिलवाते हैं इस बात की तरफ कि नहीं अभी वो मंजिल मकसूद हमने जिसके लिए हमने सफर शुरू किया था वो तक हासिल नहीं किया, अभी हमें चलना है और चलते चले जा। ये हमारे शोरा का किरदार है। ये शोरा अगेन नजमिया शायर या मेरे शायर की शायर शायर नहीं है, हमारे हमारे जो इलाके हैं उनके अंदर लोगों के जो एहसास होते हैं उसकी तर्जुमानी की शायर करता है। अगेन वो दीदा एक नायक गाँव है, जिस तरह से हम एक चीज को फेस करते हैं वो उसको फील करता है। जिस तरह से अब कहा जाता है कि जो अखबार नवीज होता था काम होता है कि खबर को देखता है और अखबार में डाल देता है, लेकिन एक शायर अदीब जब एक खबर को देखता है तो दिल में डाल देता है, उसको पकाता है, उसको महसूस करता है, उसमें से कुछ नतीजा रस करता है और फिर लोगों के सामने पेश करता है। और जब चीज़ सबके सामने आती है तो उनकी तो एक अजीब बहुत चीज़ होती है जो कि लोग एहसास के अंदर शामिल हो चुकी होती है। हम कहते हैं कि शायद शायरी एक पुरानी चीज़ हो चुकी है और आज इसका कोई रोल नहीं है। शायद हम इस तरह से सोचते हैं कि जो हमें शायरी पसंद थी वो आज हमारे बच्चों को पसंद नहीं है, लेकिन रेस्ट श्योर हमारे बच्चे भी गाने शायरी वगैरह सब कुछ उसी तरह से सुनते हैं। आज भी अगर हम पॉलिटिक की पोइट्री प्रोड्यूस कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, जो कि इसके अंदर हमला हुआ था, इसके अंदर हमारे बच्चे शहीद हुए थे, उसके अंदर भी हमारे बच्चों ने हमें कराना पाया था क्योंकि हमने पढ़ाना है दुश्मन के बच्चों को। उसके अलावा हमारे प्रवीण शाखिर, नासिर काजमी, अमीर फैज अहमद फैज, हबीब जालब, आप जब इसको कहते हैं झंडे उठाते हैं कि इस दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, ये सब हमारे शायरों ने ही हमारी बातों को बार बार हुआ इसे। तो इसलिए पिछले जो 60 साल से 70 साल से एक तहजीब एक चल पड़ी हुई है जिसके अंदर मुसलसल हम अपने शोरा को अप्रिशिएट करते हैं, उनको बुलाते हैं, कहते हैं कि हमें दोबारा बताएं कि हमें क्या चीज़ नज़र नहीं आ रही जो आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि आप भी राय भी राय। खैर जिस तरह मैंने जिक्र किया कि गुलाम इकबाल की सजन का मैंने जिक्र किया था, वो इकबाल की बहुत इबलाई दौर की शायरी थी जिसके अंदर इकबाल ने शायर को दीदा बिना कौन तक रख के छोड़ दिया था, लेकिन जब बाद में देखते हैं इकबाल की शायरी जब पढ़ती है उस पर जाती है तो वो तो कहते हैं कि शायरी जो आवाज पैगंबरी, शायरी का काम तो ऐसा है कि जिसका पैगंबरी का काम होता है, जिस तरह से लोगों को उठाया जाता है सोते हुए लोगों को, तो शायर का काम तो वो है, असल काम उसका वो है। बहरहाल बहुत सी बातें हो सकती हैं, अगेन 5 मिनट की रिस्ट्रिक्शन मेरे पर है और मैं उसको बिल्कुल अपने दिमाग के अंदर काउंट कर रहा हूँ। अहमद बिन कासमी जब वो दुआ करते हैं, मेरा ख्याल है आज हम इस प्रोग्राम का एक दाद उस दुआ से करते हैं जो उन्होंने दुआ की थी किसी को जाकर, ऐ खुदा, ऐ खुदा मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेश आए ज़बान ना हो, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खजान को गुजरने की भी मजाल ना हो, यहाँ जो सब्ज़ हो गए वो हमेशा सब्ज रहे और ऐसा सब्ज और ऐसा सर सब्ज कि जिसकी कोई मिसाल ना हो, घनी गिटाएं यहाँ ऐसी बारिशें बरसाएं कि पत्थरों से भी रोई भी ये महाल ना हो, हर एक फर्द हो तहसीब फन का औज ए कमाल, हर एक फर्द हो तहसीब फन का औज ए कमाल, कोई मलूल ना हो कोई खस्ता हाल ना हो,
और खुदा कह रहे कि मेरी ऐसे बात पर उतरे वो फसले फूल जिसे देश आए सवाल ना हो। आखिर में काम करते हैं एक यकीन के साथ, जब अपना काफिला अजमो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अजमो यकीन से निकलेगा जहां से चाहेंगे चश्मा वहीं से निकलेगा, जब अपना काफिला अजमो यकीन से निकलेगा जहां से चाहेंगे चश्मा वहीं से निकलेगा। मेरे वतन मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मेरे वतन मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। आप सबकी समाप्त पहुंचे।